हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कुशविंदर सिंह एंड वेलकम टू एक्सिस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के। देखो क्या होता है, हम लोग बहुत रेगुलरली इन चीज़ों को सुनते हैं कि आज मेरे को बहुत एसिडिटी हो रही है। तो ये एसिडिटी हो रही है का क्या मतलब होता है, कि क्या हम समझ सकते हैं कि ये एसिडिटी का मतलब क्या होता है। बोलते हैं ना, देखिए आज मैंने बहुत स्पाइसी फूड खा लिया है और मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है। तो ये एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो केमिकल सब्सटेंसेज हमको मिलते हैं, वो आखिर किस नेचर के होते हैं, उनका नेचर क्या है। देखो कुछ चीज़ें होती है, अगर आप लेमन की बात करो तो बेटा वो बिल्कुल आपको बहुत खट्टा लगेगा खाने में। अगर आप बेटा किसी मतलब कि अगर आप जैसे कि कोई साबुन को अगर टेस्ट करके देखो, तो अगर उसको टेस्ट करके देखा जाए तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है टेस्ट में, और सोपी स्लिपरी टच होता है। अगर हम शुगर को खाएं तो वो मीठा लगता है, अगर हम सॉल्ट को खाएं तो वो बिल्कुल अलग ही एक टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सब्सटेंस है, इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है उनका टेस्ट क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं हम लोग टेस्ट के बेसिस पे भी चीज़ों को बता देते हैं कि ये खट्टी चीज़ें हैं तो इनको अलग रखा जाए, जो कड़वी चीज़ें हैं बेटर टेस्ट है इनको अलग रखा जाए, सॉल्टी चीज़ को हम अलग रख सकते हैं, मीठी चीज़ों को हम लोग अलग रख सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली कंपाउंड्स को, या फिर हम बोलें तो जो केमिकल्स हैं ना उनको क्लासीफाई करने का एक तरीका होता है उनके नेचर के बेसिस पे, कि ये खट्टी चीज़ें हैं ये एक जैसा नेचर शो कर रही हैं, ये कड़वी चीज़ें एक जैसा नेचर शो कर रही हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, सब्सटेंस के नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। और सब्सटेंस के जनरली तीन नेचर होते हैं, सबसे पहला एसिड, दूसरा बेस और तीसरा न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर हम यहाँ पे क्या पढ़ लेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, कि सॉल्ट्स जो जनरली होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और हम उसको समझेंगे कि आखिर सॉल्ट न्यूट्रल नेचर के क्यों होते हैं। सो शुरू करते हैं हम कुछ खाने पीने की चीज़ों से, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर देखा जाए तो उनके टेस्ट के बेसिस पर मैं बता सकता हूँ कि खट्टी हैं या फिर ये मीठी हैं या फिर कड़वी चीज़ें हैं। तो टेस्ट के बेसिस पे भी हम पहले क्लासिफाई करके देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी जो चीज़ें हैं आखिर इनका क्या टेस्ट है। तो अब देखो, सबसे पहले देयर आर एडिबल सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट टेस्ट। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे खाने की जो सब्सटेंसेज होते हैं उनका जो टेस्ट होता है बेटा वो बहुत डिफरेंट होता है, वो अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है। अब देखो कुछ चीज़ें तो खट्टी होती हैं, है ना, कुछ चीज़ें बहुत खट्टी होंगी, कुछ चीज़ों का टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा बिटर। आप लोगों ने करेला सब लोगों ने खाया होगा, कड़वा टेस्ट होता है उसका, ठीक है। अगला है कुछ चीज़ें बहुत मीठी होंगी एंड सम थिंग्स हैव सॉल्टी टेस्ट। तो आखिर ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हम चीज़ों को उनके टेस्ट के बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ों को लिखा हुआ है, और देखते हैं कि ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये किस कैटेगरी में आगे चल के हम इनको क्लासिफाई करेंगे। पहले इनके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर लेमन जूस, आप सबको मालूम होगा कि लेमन खट्टे होते हैं, तो लेमन जूस का जो टेस्ट होगा ये कैसा होगा बच्चा, सोअर टेस्ट का होता है। देन कम्स विनेगर। विनेगर वी ऑल नो दैट वी यूज इन वेरियस डिशेज, लाइक जो आपका चाइनीज फूड आइटम्स होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विनेगर का यूज़ होता है। आप लोग खाना जो अचार होता है उसमें भी विनेगर डाला जाता है, तो विनेगर को आपने टेस्ट किया हो तो विनेगर का जो टेस्ट होता है वो भी कैसा होता है बच्चा, खट्टा टेस्ट होता है, सोर होता है विनेगर की। अगली बात करें हम शुगर की, वी ऑल नो शुगर इज स्वीट, शुगर बहुत मीठी होती है, चाहे हम लोग ग्लूकोज की बात करें, चाहे हम लोग सुक्रोज की बात करें, जो घरों में हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी स्वीट होते हैं। ग्रेप्स, अब ग्रेप्स भी दो तरह के होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ग्रेप्स थोड़े खट्टे लगते हैं, कुछ ग्रेप्स मीठे लगते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेप्स को हम दोनों ही कैटेगरी से बता सकते हैं कि ये स्वीट भी होते हैं और ये शुगर भी होते हैं। आगे चल को आपको समझ आएगा कि मैं शुगर क्यों बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्वीट क्यों बोल रहा हूँ। जनरली क्या होता है, कुछ अनराइप ग्रेप्स जो होते हैं, है ना, अनराइप ग्रेप्स मतलब जो पके नहीं है अभी, वो खट्टे लगते हैं हमको खाने में, ठीक है। तो वो जो उनमें ये खट्टा जो नेचर होता है उनमें जो ये सॉल्ट टेस्ट होता है ये किस वजह से आ रहा है, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे।
बेकिंग सोडा, हम लोग जो बेकिंग सोडा घरों में इस्तेमाल करते हैं केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, तो वहाँ पे उसका अगर टेस्ट देखा जाए तो वो टेस्ट कैसा होता है बच्चा? बेटर टेस्ट होता है। और इसके और हम लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोगों ने इनो को टेस्ट किया हो, इनो जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, अगर आप उसको टेस्ट करके देखेंगे तो उसका टेस्ट भी कैसा होता है बच्चा? बेटर टेस्ट होता है। तो आखिर हम किस बेसिस पे इनको बताएं कि ये बेटर होंगे या फिर ये सोर होंगे? और अगर मैं सिंपल कॉमन सॉल्ट की अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉमन सॉल्ट की बात करूँ तो उसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल अलग टेस्ट होगा, जिसको हम सॉल्टी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन सॉल्ट को और जोड़ते तो उसका टेस्ट सॉल्टी हो जाएगा। देन कम्स आके क्या इनमें ऐसा डिफरेंस आया, क्यों कोई चीज सोर है, क्यों कोई चीज स्वीट है, क्यों कोई चीज बिटर है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन एसिड्स, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं एसिड्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चा, जो भी चीज़ें आपको खट्टी मिलेंगी, जो भी चीज़ का टेस्ट खट्टा होता है वो एसिड्स कहलाते हैं। द थिंग्स दैट आर सोर इन टेस्ट और एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। कोई भी सब्सटेंस जिसका सोर टेस्ट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस है जिनका सोर टेस्ट है, जो कि खट्टे होते हैं। उसके बाद और हम इनको कैसे कैसे समझ सकते हैं, कौन सा एसिड किस फ्रूट में या फिर वेजिटेबल में कहाँ पे पाया जाता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो खाने वाले एसिड्स हैं सिर्फ उनको टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अदर एसिड्स जो होते हैं जो केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होते हैं, तो बट हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते। और ये केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में जाने से पहले हम लोगों को सिखाया भी जाता है कि नेवर टेस्ट एनीथिंग, वहाँ पे किसी चीज़ को टेस्ट करके नहीं देखना होता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे तो सर पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है या बेसिक है? तो देखो, अभी हम लोग क्लास सेवन्थ में है, तो हमको बस एक बेसिक आइडिया लेना है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे तो आपको और अच्छे से और इसका डिटेल नॉलेज मिलेगा कि आखिर एसिड्स को टेस्ट के साथ साथ हम बाकी अदर पैरामीटर्स पे भी हम केमिकल सब्सटेंसेस को देखकर बता सकते हैं कि उसका नेचर एसिडिक होगा या फिर उसका नेचर बेसिक होगा। और छोटा सा बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे मैं दूंगा जब आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एसिड्स की। तो आपने क्या लिखा, एसिड्स क्या है? वो सब्सटेंसेस जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। खट्टे टेस्ट की चीज़ों को एसिड बोला जाता है। और ये हम यहाँ पे इजीली अवेलेबल कुछ मैं चीज़ों की बात करूँगा, कुछ इजीली अवेलेबल सब्सटेंसेस की बात करूँगा, आप उनको बहुत आसानी से रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ ये खट्टे होते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विनेगर की। तो जैसे मैंने आपको बताया विनेगर का टेस्ट सोर होता है। आपसे कोई पूछे व्हाट एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है हमारा विनेगर में। देन कम्स आंट्स स्टिंग। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कि कोई चींटी है वो काट लेती है, या फिर कोई मधुमक्खी है वो काट लेती है, तो वो एरिया स्वेल और रेड होने लगता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है, तो व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ये हमारे स्किन में अपना एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। अब एसिड इंजेक्ट होगा तो हमको वहाँ पे तुरंत ही इचिंग होना शुरू हो जाएगी, वो रेड पार्ट होना, वो एरिया जो है वो रेड होने लगेगा। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनका, कि इनको जब लगता है कि हमारे ऊपर खतरा आ रहा है तो ये आपको बाइट करेंगे, बाइट करके भाग जाएंगे, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा जहाँ पे बाइट किया वहाँ पे चला जाएगा। तो आखिर आंट स्टिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हम लोग आंट ये इस अपना एसिड को यूज करती है। आंट में जो एसिड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। देन कम्स सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, लाइम एट्सेट्रा, ये जो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया, दीज आर कॉल्ड एज सिट्रस फ्रूट्स एंड दे ऑल टेस्ट सोर। ये सारी चीज़ें हमको खट्टी लगती हैं खाने में क्योंकि इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड। इनका जो एसिड है वो हमें सिट्रिक एसिड कहलाता है, सिट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है, दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर सोर इन टेस्ट। उसके बाद हम बात करें कर्ड की। कर्ड दही हम लोग जानते होंगे कि दही खट्टी होती है, ठीक है। अब दही के खट्टे होने का क्या रीजन है, बिकॉज इट कंटेन लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन कम्स स्पाइनच। स्पाइनच जो होता है दैट इज ऑल्सो स्लाइटली सोर इन टेस्ट एंड स्पाइनच आर सोर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। जो ये स्पाइनच होता है ये ऑक्सैलिक एसिड की वजह से सोर टेस्ट का होता है। देन कम्स आंवला। आंवला वी ऑल नो इट इज सोर इन टेस्ट। आंवला भी एक तरीके का फ्रूट है जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये भी खट्टे टेस्ट का होता है। इट इज ऑल्सो इट कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी वजह से हमको खट्टा लगता है। देन कम्स टैमरिंड एंड ग्रेप्स।
तो मैं आपको जो बताया था कि कुछ ग्रेप्स खट्टे होते हैं तो उनका रीजन होता है टार्टरिक एसिड। कुछ ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टैमरिंड में बेसिकली इमली जो होती है बहुत खट्टी लगती है, उसका रीजन यही होता है बिकॉज दैट कंटेन्स टार्टरिक एसिड एंड दीज आर द सर्टेन सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड। तो आप इजीली क्लासीफाई कर पाओगे कि किस चीज को एसिड बोला जाएगा और किस चीज को यहाँ पे बेस बोलेंगे। तो आपको एसिड का एक तरीका मिल गया कि सर हमारे सराउंडिंग में जो भी खाने पीने की चीजें, अगर हमको उनका टेस्ट खट्टा लग रहा है तो मैं उनको बोलूंगा एसिड, और अगर उनका टेस्ट कड़वा लगेगा तो आप उनको बोलेंगे बेसिस। जनरली हमारे सराउंडिंग में बेस आप बोलोगे सर हम तो सिर्फ करेला खाए हैं जो कड़वा लगता है, बाकी बहुत ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो कड़वी लगती हैं। तो डेफिनेटली खाने पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ें कड़वी नहीं होती है, लेकिन सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बेस होते हैं, इन अगर उनको टेस्ट किया जाए, ऑल्दो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको टेस्ट करिएगा, लेकिन उनका जो टेस्ट मिलेगा आपको वो बेसिक वो सॉरी बेटर टेस्ट ही मिलेगा बिकॉज दो सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, वो सब्सटेंसेस हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये हमारा क्या था एसिड से बारे में था कि एसिड जो होते हैं ये हमारे सो टेस्ट होते हैं। देन कम्स बेसिस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होगा एंड दे हैव सोपी टच। ये फिसलते हैं हाथों, इनको टच करो तो ये स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं, जैसे साबुन होता है ना उसको टच करो तो बहुत स्लिपरी होता है, वो फिसलता है हाथ से। सारे बेसिस जो होते हैं इनका जो टेक्सचर होता है इनको टच अगर करेंगे तो हमको सोपी टच मिलेगा, और ऐसे कोई भी सब्सटेंस है जिनका टच सोपी होगा और वो हमारा बेस और वो हमारा बिटर टेस्ट करेंगे तो इनको हम लोग बेस कहते हैं। अब जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें लाइम वाटर की, लाइम वाटर बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। आपने देखा होगा लाइम वाटर होता क्या है कि जो घरों में हम लोग वाइट वॉश कराते हैं ना, तो वाइट वॉश कराते वक्त जो पाउडर वो लोग पानी में मिलाते हैं, जो चूना जिसको बोला जाता है, चूना जो पानी में मिला के जो सॉल्यूशन बनाते हैं दैट इज द लाइम वाटर, वो हमारा लाइम वाटर होता है। नेक्स्ट कम्स विंडो क्लीनर। ये जो विंडो क्लीनर होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि कॉलिन और ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं, ये विंडो क्लीनर जो होते हैं दे ऑल कंटेन्स बेस, उनमें भी बेस प्रेजेंट होता है और इस बेस का नाम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन कम्स सोप। जो हमारे सोप्स होते हैं, हम लोग जो सोप इस्तेमाल करते हैं, दे कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देन कम्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एंटा एसिड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्टो कॉल ऑल्सो कॉल्ड एज एंटा एसिड। अब वाई इट इज कॉल्ड एज एंटा एसिड, इसको एंटा एसिड इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा हम स्पाइसी या फिर ऑयली फूड खाते हैं तो एसिडिटी होने लगती है, हमको बहुत इरीटेशन होने लगती है जो हमारा स्टमक होता है। एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारे जो स्टमक में जब हम लोग खाना खाते हैं डाइजेशन के वक्त एसिड रिलीज होता है, अगर एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगे तो हमको ये इरीटेशन होने लगती है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटा एसिड। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, आपने डाइजीन का नाम सुना होगा, आपने इनो का नाम सुना होगा, तो थोड़े से कड़वे लगते हैं और उनके कड़वे लगने का रीज़न क्या है, बिकॉज दे कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दे कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जैसे आपने देखा कि एसिड्स की वैरायटी बहुत मिली हमको, बेसिस की इतनी ज़्यादा वैरायटी नेचर में नहीं मिलती है कि आपको आप सोचो कि सर इसमें बेस होगा या नहीं होगा, नहीं बेसिस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होते, नहीं मतलब इतना ज़्यादा ईजिली हम लोग उनको इंटरेक्ट नहीं करते खाने पीने की चीज़ों में जितना हम एसिड्स को इंटरेक्ट कर लेते हैं खाने पीने की चीज़ों में, ये हमारा क्या हो जाता है उनका बेसिस हो जाते हैं। देन कम्स न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब हमने क्या पढ़ा, हमने एक तरीके से सब्सटेंसेस के दो नेचर पढ़ लिए, एक एक्सट्रीम और दूसरा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का क्या मतलब है, अगर आप देखो तो कोई भी चीज़, अगर आप नंबर सिस्टम की बात करो, ध्यान से ऐसा समझो, अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम है, बीच में जीरो से शुरू होती है, इधर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं आपको और इधर की तरफ आपको सारे नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस का नेचर भी इस तरीके से है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक नेचर शो करेगा ना ही बेसिक नेचर शो करेगा, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोल देंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। अब अगर न्यूट्रल से मैं दो तरफ मोड़ सकता हूँ, न्यूट्रल के बाद या तो उसमें खट्टा टेस्ट आना शुरू हो जाए या फिर उसमें कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाए। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि सब्सटेंसेस के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स बता दिए, एक नेचर मैंने आपको बता दिया बेसिक नेचर, यानी कि वो सब्सटेंसेस न्यूट्रल के बाद जो कड़वे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी
और दूसरा नेचर मैंने आपको बताया ऐसे देखो, यानी कि खट्टा नेचर अगर हमें आता जाएगा तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल बेसिक और एसिडिक तीन नेचर सब्सटेंसेस के जनरली होते हैं। सब्सटेंसेस या तो खट्टे की तरफ जाएंगे या फिर वो कोई टेस्ट नहीं रखते, ना ही वो एसिडिक होते ना ही वो बेसिक होते, या फिर वो पूरे बेसिक होंगे। अब न्यूट्रल में आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर न्यूट्रल में क्या चीनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सर न्यूट्रल में क्या ग्लूकोज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर न्यूट्रल में क्या सॉल्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट ना तो खट्टा होता है ना कड़वा होता है। चीनी ना खट्टी होती है ना कड़वी होती है। ग्लूकोज होता है ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। पानी, पानी ना खट्टा होता है ना वो कड़वा होता है, तो पानी भी हमारा न्यूट्रल है जो हम लोग पानी पीते हैं घरों में। सो बेसिकली हमारे तीन सब्सटेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए हैं, एक एसिडिक नेचर, एक बेसिक नेचर और एक न्यूट्रल नेचर। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? अब तक आपने क्या देखा? सर एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच टेस्ट सोर, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच टेस्ट बिटर एंड हैव स्लिपरी टच। एंड नाउ देन कम्स द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, तो आप क्या बोलोगे? सर जो एसिड भी नहीं होते और बेस भी नहीं होते। अब एसिड नहीं है बेस नहीं है तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। तो बिल्कुल आप इसी तरह से इनको डिफाइन करेंगे, सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो ना ही तो एसिडिक होते ना ही वो बेसिक होते, इनको बोला जाता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, इनमें कोई भी एसिड देखने को नहीं मिलेगा आपको, एसिड नेचर। इनमें कोई भी बेसिक नेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो अभी अगर मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन डालने वाला हूँ, चलो आप समझ चुके हो कि एक एक्सपेरिमेंट एसिड हो गया, एक एक्सपेरिमेंट बेस हो गया और बीच में इनके मिलता है न्यूट्रल, तो क्या होगा अगर मैं एक एसिड को एक बेस के साथ मिला दूंगा? ऐसा ही समझो कि आपके पास पॉजिटिव के पांच नंबर हैं, आपके पास नेगेटिव के पांच नंबर हैं, तो अगर आप उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही कुछ देखेंगे कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस आखिर बन कब रहे होंगे, कैसे बन रहे होंगे। अगर एक एसिड और एक बेस को आप मिक्सअप कर दोगे देन यू आर गोइंग टू गेट अ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो आपको एक न्यूट्रल सब्सटेंस मिलने वाला है। और यही चीज हम आगे चैप्टर में इसमें पढ़ने वाले हैं कि हाउ न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड हाउ दे आर प्रिपेयर, ठीक है। चलो तो ये हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ली। तो आप अब तक क्या सीखे? एसिड सीखे, बेस सीखे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में सीखे। देन कम्स इंडिकेटर। तो अब बात आती है कि सर आपने हमको सिखा दिया कि एसिड्स होता है, बेस होता है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, फिर सर अगर हमको पता कैसे चलेगा कि सर मैं तो लैब में गया था या गई थी तो मैम ने बोला कि आप किसी चीज़ को टच नहीं करोगे, किसी चीज़ में हाथ नहीं डाल के देखोगे, किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करोगे, तो सर अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आई तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, है ना? तो वो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या बच्चा? इंडिकेटर्स को। व्हाट आर इंडिकेटर्स? देखो बहुत सिंपल से सबसे पहले इंडिकेटर वर्ड का मतलब समझते हैं। हमारी बाइक, स्कूटी, कार, इनमें इंडिकेटर लगा हुआ होता है, नहीं होता है, है ना? तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इंडिकेटर का क्या यूज हो सकता है? आपने देखा होगा आपके मम्मी या पापा जो बाइक राइड करते हैं या कार राइड करते हैं तो उसमें अक्सर अगर राइट साइड में हमको टर्न लेना होता है तो हम राइट इंडिकेटर ब्लिंक कर देते हैं, ब्लिंकर ऑन कर देते हैं। अगर लेफ्ट हमको टर्न लेना होता है तो हम लेफ्ट ब्लिंकर को ऑन कर देते हैं। तो मतलब क्या है देखा कि ये हमारे पीछे जो लोग चल रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, हम उनको पहले एक तरीके से इंडिकेट कर देते हैं कि भाई मैं तो अब राइट मोड़ने वाला हूँ, तो तुम अपने जो भी अपने पीछे से स्कूटी बाइक कुछ भी ला रहे हो तो राइट साइड में मत आना वरना प्रॉब्लम होगी। अगर हम लोग लेफ्ट मोड़ने वाले होते तो हम बोलते थे कि हम लेफ्ट मोड़ने वाले हैं, तो पीछे से जो भी आ रहा होगा उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो आगे वाला जो आदमी चल रहा है उसको लेफ्ट मोड़ना है। सिमिलरली यहाँ पर भी इंडिकेटर हमको इंडिकेट करेगा। अब इंडिकेट कैसे करेगा? वहाँ पे आपने लाइट ऑन किया, यहाँ पे लाइट ऑन नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होगा? कलर चेंज देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर हम वो सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस का एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल नेचर है। तो देखो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम लोगों का जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, न्यूट्रल नेचर है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप आज क्या करो कि एक हल्दी जो होती है टर्मरिक घरों में बहुत यूज होती है। आपके किचन में जो कपड़ा यूज होता होगा उसमें अक्सर इधर उधर से हल्दी लग जाती होगी। आप क्या करके देखना कि उस कपड़े को जाके
जो वॉशिंग जो डिटर्जेंट केक है उससे साफ करके देखना, तो वो हल्दी साफ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप उस पर साबुन लगाओगे वो हल्दी जो येलो येलो दिख रही थी आपको तुरंत उसमें कलर चेंज देखने को मिलेगा, वो रेड और पिंक, समवॉट पिंक और रेड के बीच का कलर वो हो जाता है। तो आप ये रेड और पिंक कैसे हो गया, और आखिर साबुन डाला तो रेड पिंक हो गया लेकिन पानी में उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, पानी में वो येलो ही कलर रह रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो मेरे सब्सटेंसेस हैं पानी में, ये जो टर्मरिक है जो कि दो अलग अलग कंडीशन में कलर चेंज कर रही है, वो ऐसे इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर, नेचर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर दो तरह के हम हो सकते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स को। सो इंडिकेटर सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक और बेसिक कंडीशन में अपना कलर को चेंज कर देंगे, दी सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंसेज को क्या बोला जाएगा बेटा, इंडिकेटर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, लिटमस। लिटमस अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, लिटमस नेचर में हमको मिलता है, अभी आगे चल के देखेंगे कि कहां से मिलता है। देन टर्मरिक, हल्दी जो होती है ये भी हमारा इंडिकेटर है। देन चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल्स आपने देखा होगा स्कूलों में अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसको हिबिस्कस भी बोला जाता है, इसका जो नाम होता है इस फ्लावर का हिबिस्कस, आपने बहुत देखा होगा हिबिस्कस इसको बोलते हैं। आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ये तो बहुत इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं नेचर में। इसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किए हैं, केमिकल लैबोरेटरीज में मैंने इनको हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो ये भी सेम काम करेंगे, यानी कि ये भी हमारा एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में अपना कलर चेंज करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है फिनोफ्थेलिन, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर एक लेबोरेटरी में सिंथेसाइज इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, और ये हमको बताता है कि गिवन जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक होगा या फिर हमारा बेसिक नेचर का होगा, और हम ये भी बता सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है उसका नेचर न्यूट्रल है भी या कोई और सब्सटेंस, कोई और नेचर है। तो ये हमने इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। तो आप ध्यान रखेंगे आपने तीन चीज़ें सीख ली, एसिड, बेस, न्यूट्रल, और चौथी चीज़ अब आ चुकी है इंडिकेटर्स। तो अब हम लोग इंडिकेटर्स की बात करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिटमस, तो अब हम लोग लिटमस की बात करते हैं कि लिटमस क्या होता है, ठीक है। तो लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस जो है हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, और इसको हम लोग, ये हमें मिलता है लाइकेन से, ये हमको मिलता है लाइकेन से। ये हमारा इस तरीके के कुछ छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लाइकेन्स बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको ले लिया जाएगा, इनको क्रश किया जाएगा, वहाँ से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ से मिलता है हमको लिटमस, ठीक है। सो लिटमस जो होता है एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो इसका कलर होता है पर्पल, लिटमस का कलर होता है पर्पल, और पर्पल कलर हमको बताता है दैट लिटमस इज न्यूट्रल इन नेचर, लिटमस का जो नेचर है वो न्यूट्रल है। तो प्योर वाटर में अगर लिटमस को देखा जाए तो इसका कलर हो जाता है पर्पल, इसका पर्पल कलर होता है। अगर हम इस पर्पल कलर में, तो देखना आप कैसे चेंज हो रहा है, अगर इस पर्पल कलर में मैं ऐसे डाल दूंगा तो ये पर्पल कलर चेंज हो जाता है हमारा रेड कलर में, और अगर इस पर्पल कलर में मैं बेस डाल दूंगा, बेसिक सॉल्यूशन डाल दूंगा, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो आप याद कैसे रखोगे, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। तो जो पर्पल कलर है हमारा बेसिक सॉल्यूशन में कैसे कलर का हो जाएगा बच्चा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और हमारा जो पर्पल कलर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। सो दिस इज हाउ लिटमस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको कभी पर्पल लिटमस नहीं दिया जाता है, आपको कभी पर्पल लिटमस नहीं दिया जाता है, तो होता क्या है कि पहले इस पर्पल लिटमस सॉल्यूशन को हम दो कलर में चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पर्पल को हम दो कलर में चेंज करेंगे, क्या होता है कि ये जो हमारा पर्पल लिटमस है इसमें हम लोग एसिड मिलाते हैं तो ये हमको मिलता है रेड लिटमस सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको मिलता है रेड लिटमस, और अगर हम लोग इसमें बेस मिला देते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है ब्लू लिटमस,
अब हम पर्पल को ना यूज करके इन रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को यूज करते हैं। अब आप एक बात खुद समझो, बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक चीज ये समझो कि आपने रेड लिटमस ले लिया, रेड लिटमस में और एसिड मिलाओगे तो कोई चेंज तो होने नहीं वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिड से मिल गई रेड वाला। तो रेड लिटमस में अगर आप एसिड मिलाते हो तो ये क्या रहेगा बेटा, रेड ही रहने वाला है। लेकिन रेड लिटमस में अगर आप बेस मिलाते हो तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बेस में ब्लू कलर गेन करता है, नहीं करता है। सिमिलरली ब्लू लिटमस में यदि आप एसिड मिलाओगे तो ये कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। और ब्लू लिटमस में यदि आप बेस मिलाओगे तो ये कैसे कलर में रहने वाला है, ब्लू कलर में। तो आपको ये चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कब लिटमस रेड कलर शो करेगा और कब लिटमस हमारा ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। सो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस से ये हमको मिलता है, लाइकेन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। कैसे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो कि पर्पल में एसिडिक सॉल्यूशन बनाओगे तो रेड लिटमस सॉल्यूशन बनेगा, ब्लू बेस डालोगे तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन के अलावा ये लिटमस पेपर फॉर्म में भी आता है। पेपर फॉर्म में कैसे, क्या होता है कि लिटमस सॉल्यूशन में स्मॉल पेपर स्ट्रिप्स को डाल दिया जाता है। फिर जब आप ऐसा समझो कि आप अगर किसी सॉल्यूशन में एक पेपर डाल दोगे तो सॉल्यूशन पेपर पे चिपकेगा नहीं चिपकेगा, सेम चीज लिटमस सॉल्यूशन में आप पेपर डाल दोगे तो वो लिटमस सॉल्यूशन पेपर पे आ जाएगा। तो ये ब्लू रेड लिटमस सॉल्यूशन है, यहां से हमको क्या मिलता है, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से हमको क्या मिलता है, ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ से हमको मिलता है ब्लू लिटमस पेपर। तो अब आपके लिए आसान हो गया रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर लेना। तो आप सिंपली हम क्या करोगे, आप रेड लिटमस पेपर लोगे, सॉल्यूशन लोगे, डुबाओगे, देखोगे रेड का रेड रहा तो एसिडिक था, ब्लू हुआ तो बेसिक था, ब्लू लिटमस पेपर लिया डाला, ब्लू का ब्लू रहा तो बेस था, ब्लू का रेड हो गया तो एसिड था, ये हमारा यहाँ से हमको पता चल जाता है। So, and red litmus solution as the strips of paper, as blue litmus paper and red litmus solution, ठीक है? In acidic solution, it turns red. जो मैं आपको बताया, acid solution में red हो जाएगा और basic solution में it turns blue. तो ये हमारा litmus के बारे में था कि how litmus helps us to identify between an acid and a base. तो ये litmus के बारे में था। तो अब आप इसको, मैं इस चीज का यहाँ पे conclusion लिखूँ, तो हम यहाँ पे इस चीज को कैसे conclude कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे हम इस चीज को कैसे कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा लिटमस होता है, ठीक है, हमको यहाँ से लिटमस को देखना है, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। लिटमस का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये कैसा कलर में हो जाएगा, रेड कलर में, यहाँ पे मिलेगा हमको रेड कलर सॉल्यूशन। और अगर हम इसमें बेस डाल देंगे तो ये हमको कैसे कलर में मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा। प्लेस डालेंगे तो ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब रेड सॉल्यूशन में अगर हम लोग रेड सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो ये कैसा रहेगा, रेड रहेगा। और रेड सॉल्यूशन में अगर हम लोग बेस डाल देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। अगर बेस कलर सॉल्यूशन में हम लोग बेस डालेंगे तो ये ब्लू रहेगा, और अगर हम लोग इसमें एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये उस पूरे का यहाँ पे क्या था, एक तरीके से कॉन्क्लूजन था। अब लिटमस हमको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस फॉर्म कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, लाइकेंस से। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे से हम इस लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो अब लिटमस के बाद हम नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। चलो उससे पहले यहाँ पे कुछ अब इफेक्ट है जो आपको बताना है, इसके तरीके से ये आपका एक वर्कशीट है। अब यहाँ पे देखो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन। लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट होगा डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग टैप वाटर की बात करें, सो यू ऑल गाइस नो टैप वाटर में ना एसिड होता ना बेस होता, तो ब्लू लिटमस में क्या कलर, क्या चेंज होगा बेटा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो चेंज। रेड लिटमस में क्या चेंज होगा,
नो चेंज। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि इन्फ्रेंस क्या होने वाला है इसका, न्यूट्रल, यानी कि कॉन्क्लूजन क्या निकालेंगे कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया डिटर्जेंट सोप होता है, सोप बेसिक होता है, यानी कि ब्लू लिटमस में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर में क्या चेंज आएगा, सोप है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लू ही रहने वाला है, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को देखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंजेस टू ब्लू, या फिर रेड से ये ब्लू हो जाएगा, रेड से ये ब्लू हो जाएगा। और इससे हमको पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। देन कम्स शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन में ब्लू में सिर्फ ये ब्लू रहने वाला है, ब्लू का मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल होता है, रेड वाला रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर। देन कम्स कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में हमको मालूम है ना, तो एसिड होता ना बेस होता, तो ब्लू लिक्विड डालेंगे तो ब्लू रहने वाला है, रेड लिक्विड डालेंगे तो रेड रहने वाला है। इससे भी हमको पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। देन कम्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी बताया था बेस होता है, तो बेस में ये कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, रेड लिक्विड पेपर बेस में कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, दैट इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, हाउ लिटमस पेपर चेंज कैन बी यूज टू, हाउ लिटमस पेपर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई बिटवीन द डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक जैसे मैंने आपको बताया ये एक और हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेंड फ्रॉम टर्मरिक, ठीक है। तो टर्मरिक बेसिकली आप मान, हल्दी है, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो हल्दी के जो पौधे होते हैं उससे निकलता है। इट इज यूज्ड एज टर्मरिक सॉल्यूशन और एज टर्मरिक पेपर। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन की तरह या फिर टर्मरिक पेपर की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। टर्मरिक पेपर क्या होता है, जैसे लिटमस पेपर हो रहा है, टर्मरिक सॉल्यूशन में पेपर डाल दो तो टर्मरिक पेपर पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स कलर रिमेन्स अनचेंज्ड। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है वो अनचेंज रहता है, लेकिन इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। अनचेंज का मतलब है वी ऑल नो दैट टर्मरिक हैज येलो कलर, तो इसका कलर कैसा रहने वाला है, येलो ही रहने वाला है। और अगर हम लोग बात करें बेसिक सॉल्यूशन की तो यहाँ पे इसका कलर जो होगा ये येलो होने वाला है एसिडिक सॉल्यूशन में, और अगर मैं बात करूँ बेसिक सॉल्यूशन की तो बेसिक सॉल्यूशन में जो इसका कलर होगा दैट विल बी रेड। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो हमारा टर्मरिक होगा इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चा, रेड कलर का हो जाएगा। तो बस आपको यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे लिखें तो टर्मरिक का कलर कैसा होगा, सेम अगर मैं लिटमस की तरह इसका भी कंक्लूजन यहाँ पे लिखूँ तो इसमें भी चेंज क्या हम देखने को मिलेगा हमको बच्चा। सो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। अगर आप इसको एसिड में डाल दोगे तो एसिड में डालने पे कलर कैसा रहने वाला है, येलो रहने वाला है। यदि आप इसको बेस में डाल दोगे तो बेस में डालने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेड। आफ्टर इफ यू एड दिस इन बेस इट विल बिकम रेड, एंड इफ यू पुट इट इन एसिड इट विल रिमेन अनचेंज, इट विल बी येलो इन कलर। तो ये हमको येलो कलर में देखने को मिल जाएगा। देन कम्स टर्मरिक एज इंडिकेटर में हम लोगों ने देखा। अब सेम चीज यहाँ पे हम लोग देखें तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलेगा, लेमन जूस है इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो चेंज लिख सकते हैं कि टर्मरिक एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा। रिमार्क्स दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक बोल सकते हैं सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। देन कम्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, बेसिक में यहाँ पे कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और पिंक हम उसको बोल सकते हैं, रेड और पिंक के बीच का शेड होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका रिमार्क्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमको
कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रिमार्क्स मैं लिख सकता हूँ, या तो ये एसिडिक हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल हो सकता है ना। लेकिन एसिडिक होता नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रल। और सेम ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टर्मरिक का इफेक्ट है। टर्मरिक ऐसे एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में इफेक्टेड होता है। देन कम्स चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब हम किसकी बात करते हैं, चाइना रोज एज इंडिकेटर की बात करते हैं। सो चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। मैंने आपको बताया हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं, हिबिस्कस का फ्लावर होता है। इसके पैटर्न्स को हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली आपने चाइना रोज की पैटर्न्स देखी होंगी, तो ये थोड़ा सा पिंकिश मजेंटा कलर के शेड होता है, इसमें पिंक शेड होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रेड और पिंक का बीच का रेड शेड आप बेसिकली देखा होगा, रेड में ज्यादा यहाँ पर मिलता है। सो इट इज यूज एज चाइना रोज सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। सेम चीज अब आपको क्या ध्यान रखना है, एसिड में कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक मजेंटा कलर का हो जाएगा बच्चा, डार्क पिंक कलर का या फिर मजेंटा कलर का। ठीक है, मजेंटा कलर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे पास मजेंटा कलर ये होगा, ये कलर जो होता है दैट इज योर मजेंटा कलर। ठीक है, ये आपका कुछ कुछ इस पिंक मजेंटा कलर में जो मैं आपको ये आउटलाइन कर रहा हूँ, ये मजेंटा कलर है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाएगा। अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन की, सो इट विल बिकम ग्रीन। तो आपको ये दो पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसको हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का होगा, डार्क पिंक मजेंटा कलर का, और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए एक वर्कशीट करके देखते हैं हम लोग। तो इसकी जो वर्कशीट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिटमस सॉल्यूशन कैसे, सॉरी ये जो इंडिकेटर है ये हमको क्या देगा, लेमन जूस। लेमन जूस यानी कि एसिडिक होता है, यू गाइस नो। सो इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, चाइना रोज ये कैसा हो जाएगा, मजेंटा कलर का, मजेंटा कलर मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। मिल्क ऑफ कंडीशन में कैसा हो जाएगा बच्चा, ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब न्यूट्रल बोल देंगे। और अगर हम लोग बात करें कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, नो चेंज। और नो चेंज को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, न्यूट्रल बोल देंगे। तो ये हमारा था इंडिकेटर्स के बारे में। तो आज की क्लास में बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि जो हमारा सब्सटेंसेस है, ये तीन बेसिक नेचर, तीन नेचर के होते हैं, तीन जनरल नेचर होते हैं, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। एसिडिक सोर बेसिक बिटर, न्यूट्रल नाइदर सोर नॉट बिटर, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो न्यूट्रल कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि पता कैसे चलेगा सर, तो मैंने बताया कि बेटा इंडिकेटर का इस्तेमाल करो। इंडिकेटर में क्या क्या, इंडिकेटर में आपने लिटमस देखा, देन चाइना रोज देखा, देन टर्मरिक देखा, आपने इंडिकेटर्स की बात की, इंडिकेटर्स के बारे में आपने समझा कि हाउ दे हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक नेचर और बेसिक इन नेचर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने तीन चार टॉपिक्स ये पढ़ लिए हैं, एसिड बेसिस न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड इंडिकेटर्स। एंड इन द अपकमिंग क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एंड देन हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या चीज़ें बनती हैं। सो आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग एक्सेस चैनल। ओके।